हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है माधव और आप लोग देख रहे हो बंगाल इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक बैटरी चार्जिंग बोर्ड जो काम करता है एक ओरिजिनल बैटरी चार्जिंग बोर्ड की तरह, जो मार्केट में खरीदा जाता है उसकी तरह। देखते हैं कैसे बनाया है छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो ख़त्म हो गया और हम भी चले टॉपिक पर। हमें इसको बनाने के लिए एक जियो फोन का मोबाइल बैटरी का जो ऊपर का हिस्सा है वो चाहिए। आप जियो फोन के बगैर और कुछ मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो जो बहुत हैवी वाला बैटरी हो। और एक हमें चाहिए 3mAh, एक IN4007 डायोड और एक चाहिए 1K रेजिस्टेंस। ये देखो मैंने ले लिया है। और हमें एक चाहिए चार्जिंग सॉकेट जो मैं USB टाइप का ले रहा हूँ, जो इसको कहते हैं मिनी USB सॉकेट। आप मार्केट में ख़रीद लीजिए, आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। और जो बोर्ड है ये वाला बोर्ड आपको बहुत सस्ता मिलेगा, आप फ्री में भी हो सकते हैं। मेरे पास पड़ा था जियो फोन का, आप थोड़ा हैवी भी ले सकते हो। अब हम इसको निकाल देंगे, उसके जो ऊपर का एक होती है ना टिन कनेक्टर टाइप का, वो हम निकाल देंगे। वो असल में निपल स्ट्रिप होता है मुझे लगती है। मैंने उसको उठा लिया है, देख सकते हो। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बहुत ईजी है। हम पहले IN4007 डायोड लेंगे और जो इसका पॉजिटिव है आप देख सकते हो, ये वाला हो गया पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव। हम IN4007 डायोड लेंगे और उसके IN4007 डायोड के जिस तरफ सिल्वर कलर का लाइन है उस तरफ हम सोल्डरिंग करेंगे बैटरी, जो बैटरी के बैटरी से हम निकाले हैं उसके पॉजिटिव पर। मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ उसको, हमने सोल्डरिंग कर दिया है आप देख सकते हो। अब मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने जैसे फोल्ड किया। आप कर सकते हो, और आप जैसे कैसे नहीं करते तो आप कोई भी बना सकते हो ऐसे वायर वगैरह देखे। मुझे लगा ऐसे ही तो मैं ऐसे बना दिया। अब हम लेंगे LED की नेगेटिव और हम इसकी नेगेटिव जो मैंने निकाला है उसके नेगेटिव के साथ सोल्डिंग करेंगे। बैटरी के नेगेटिव को उस प्लेट की नेगेटिव के साथ सोल्डिंग करेंगे। असल में प्लेट नहीं है, एक सर्किट बोर्ड है वो, और वो जो सर्किट बोर्ड यूज़ करेंगे वो अच्छा वाला होना चाहिए। और अगर ख़राब होगी तो ये सर्किट आपको काम नहीं करेगा। अब हम LED को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। अब हम 1K रेजिस्टेंस लेंगे, उसके रेजिस्टेंस के फ्लास्क LED के फ्लास्क के साथ हम डायोड को कनेक्शन करेंगे 1K रेजिस्टेंस की तरफ। मैंने इसको फोल्ड कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे फोल्ड कर लो आपको ऐसे करना है। अब LED के पॉजिटिव के साथ 1K रेजिस्टेंस सोल्डिंग करना है, उसके बाद रेजिस्टेंस की जो एक लेग बची उसके ऊपर डायोड की जो लेग है उस पर सोल्डिंग करना है। मैं करके दिखा रहा हूँ सोल्डिंग। बहुत हिल रहा था इसलिए मैंने बैटरी लगा जुगाड़ लगा दिया। अब हम इसको चिमटी से पकड़ेंगे और सोल्डिंग कर देंगे जैसे कहा वैसे ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल पे जो नया है वो बंदा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम देख सकते हो थोड़ा छोटा फोल्ड किया था, अब मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब हम इसको डायोड के साथ सोल्डिंग करेंगे। अब हम सोल्डिंग करने के बाद दिखाता हूँ आपको। सोल्डिंग अच्छे से करना कि इसको ऊपर लोड पड़ेगी। एक जियो फोन का बैटरी होता है 3000 mAh का, और जो एक ये क्या पर यूज़ होगी, ये यूज़ होगी लैपटॉप की बैटरी पर, जो 18650 की लैपटॉप की बैटरी होती है, जो लिथियम आयरन बैटरी होती है उसके ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे। तो होती है 1200 mAh की, बड़ा वर्जन भी होता है 3000 mAh की और 4000 mAh की। जो आपको यूज़ करेंगे आप बैटरी के हिसाब से, ये जो होती है जियो फोन की या कुछ और फोन की जो होती है ये वाला ऊपर का हिस्सा आप ऐसे ही यूज़ करना। अगर आप लोग बैटरी की पावर बढ़ाते हो तो इसको भी पावर बढ़ना पड़ेगा। अब हम चार्जिंग पिन की प्लस के साथ जो हमने बाहर निकाला था डायोड की तरफ वो प्लस में सोल्डिंग करेंगे, और जो नेगेटिव है यानी माइनस वो हम डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे प्लेट के ऊपर। और हमारा ये सर्किट बनके रेडी हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने चार्जर ले लिया है, अब हम आपको दिखाते हैं। ये जो ये मोबाइल फ़ोन का चार्जर है 5 वोल्ट, देख सकते हो LED ग्लो हो रहा है। अब हम दो वायर लेंगे
और सोल्डरिंग करेंगे इस टाइप, इसके अपोजिट में होगा, देख सकते हो इस पर लिखा होगा बैटरी प्लस और बैटरी माइनस, यहाँ पर ये है बैटरी माइनस और ये है बैटरी प्लस। हमने वायर ले लिया है, अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। सफ़ेद वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव के लिए और रेड वाला यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव के लिए। मैं सोल्डरिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और जो बंदा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, तो हमें पता चले कि हमारा ऑडियंस जो है कुछ सीख रहा है। और बहुत से बंदा है जो वीडियो को देखता है सीखता है बट लाइक नहीं करता सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को, उस बंदे को कहता हूँ भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा दो। ये रेडी हो गया, अब हम एक लेते हैं, ये केस मैंने अगली वीडियो में बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना वीडियो कैसी है, ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं लिथियम आयन बैटरी ले लिया हूँ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, देखिए बिल्ली LED ग्लो नहीं कर रहा बट अब करेगी। मैं इसको जब चार्ज करूँगा, मैंने वायर ले लिया है वायर नहीं चार्जर, मैं इसको दे देता हूँ इनपुट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देख सकते हो बहुत अच्छे से चार्ज हो रहा है और सेफली चार्ज होगा। अगर ज़्यादा चार्ज होती है तो बैटरी हमारा ख़राब होती है, अब सर्किट को लगाने पर ज़्यादा चार्ज बैटरी नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, आज के लिए बस इतना ही।